नमस्कार, मैं योगेंद्र वर्मा, लाइफ कोच। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही अमेजिंग एक बेसिक कंपैरिजन लेके आया हूँ, ऐसे लोगों के लिए जो लोग अपने परिवार से प्यार तो करते हैं लेकिन उनके लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। और ऐसे भी लोगों के बारे में एग्जांपल दूंगा जो लोग जेन्युइनली प्यार करते हैं और प्यार के साथ साथ उनका जेन्युइन अरेंजमेंट करके जाते हैं या जेन्युइन स्टेट क्रिएशन में बिलीव करते हैं। तो फटाफट से देखते हैं वो ऐसे कौन से लोग हैं जो जिम्मेवार हैं लेकिन अपने परिवार से प्यार नहीं करते, और ऐसे कौन से लोग हैं जो जिम्मेदार नहीं हैं और अपने परिवार से प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। दोनों के बारे में आपको डिफरेंस दिखाऊंगा, एक जिम्मेवार लोग और एक बिना जिम्मेवार लोग, गैर जिम्मेवार लोग, दोनों के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप जेन्युइनली इस वीडियो को, इस कंटेंट को समझ पाए तो आप सभी से एक सिंपल रिक्वेस्ट रहेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना जरूर जरूर करें, जिससे कि आपको पता चले यहाँ पर वैल्यू फॉर इंफॉर्मेशन होता है, यहाँ पर कोई भी टाइम पास के लिए वीडियो नहीं बनता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ये लाइफ सभी के लिए जिंदगी में एक ही बार आती है और इसकी वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं बहुत बेसिक एग्जाम्पल के सामने तरह से आपको समझाऊंगा कि जिम्मेवार लोग कौन हैं और गैर जिम्मेवार लोग कौन होते हैं। वो सभी लोग जो लोग अपने परिवार से प्यार करते हैं, जिम्मेवार लोग भी अपने परिवार से प्यार करते हैं और जो गैर जिम्मेवार लोग हैं वो भी अपने परिवार से प्यार करते हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। ये दोनों लोग मैं बात करूं तो पहले जिम्मेवार की बात करता हूं, ये वो लोग हैं जो जिंदा रहते रहते अपने परिवार को प्यार करते हैं कि आज मैं हूं तो मेरे सामने मेरा परिवार किसी भी परेशानी में ना आए, किसी भी दुख तकलीफ में ना गुजरे, और अगर मैं नहीं भी हूं, अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो भी मेरा परिवार जैसे चल रहा है वैसे ही बढ़िया शांति से, सुख से, सभी अच्छी तरीकों से चलता रहे, जिसको बोलते हैं जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार परिवार, जिम्मेदार आदमी, जिम्मेदार समझदार आदमी। ये आज के लिए भी चिंता करता है और आज नहीं रहने पर पीछे से परिवार की जिम्मेवारी का भी आज ही अरेंजमेंट करता है, जिसे बोलते हैं जिम्मेवार आदमी। सिमिलरली मैंने आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं जो गैर जिम्मेवार है, जिसे अपने परिवार से सिर्फ तभी तक प्यार है जब तक वो जिंदा है, जब तक उसके हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक वो काम कर रहा है। अगर उसको कुछ भी आज हो जाए, 10 दिन बाद हो जाए, 1 साल बाद हो जाए, 5 साल बाद कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाए, 10 साल बाद भी मिस हैपनिंग हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका परिवार कुछ भी हो जाए, उसके परिवार को, मैं कुछ गलत वर्ड यूज नहीं करना चाहता, इन द रॉन्ग सेंस, इन द डिफरेंट सेंस, उसका परिवार जो आज करंट लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है उससे नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे चला जाए, उसके वाइफ को जो कभी जिंदगी में जॉब नहीं करी आज उसको जॉब करनी पड़ जाए, उसके बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे आज सरकारी स्कूल में पढ़ने पड़े, या उनको पढ़ाई छोड़ के काम में लगना पड़े, ऐसा सिचुएशन हो जाए, जो घर में पहले वो गाड़ी यूज करते थे आज वो सब गाड़ी बेचनी पड़े, जिस किराए के मकान में रहते थे आज उस मकान से बाहर निकाल दिया जाए और लोअर मकान में उसको एडमिट होना पड़े, उससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कैसा लग रहा है दोस्तों सुनने में, ऐसे भी लोग होते हैं? हाँ दोस्तों, ऐसे लोग होते हैं, इनका मैं लाइव एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। पूरे इंडिया की बात करूं तो 135 करोड़ जनसंख्या है, उस 135 करोड़ जनसंख्या के अंदर बात करूं तो 50% लोगों को मैं साइड कर देता हूं जो या तो बिलो पॉवर्टी लाइन में है या कुछ डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आते हैं, जिनको इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है, उन्हें इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। बाकी कौन बचे? 50% लोग, करीबन 65 करोड़ लोग ऐसे बचे हैं जो इस कैटेगरीज के अंदर आते हैं, जिम्मेवार और नॉन जिम्मेवार, गैर जिम्मेवार लोग। इस 65 करोड़ जनसंख्या के अंदर सिर्फ 18% लोग रेस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन रेस्ट 82% लोग ऐसे हैं जिनको समझाना बहुत मुश्किल काम है, और बिलीव कीजिए ये समझाने का एक बेसिक तरीका है जो मैं आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब भी समझाऊंगा कि 18% लोग वो कौन है जो इस रेस्पॉन्सिबल कैटेगरी के अंदर आते हैं, और 82% वाले वो कौन लोग हैं जो नॉन रेस्पॉन्सिबल कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो जल्दी से समझते हैं दोनों का लॉजिक क्या है। एक का नाम लिखते हैं राम,
दूसरे अगर राम रख लेते हैं श्याम, ताकि आपको समझ में आएगा राम जिम्मेवार कैटेगरी के अंदर है और श्याम नॉन जिम्मेदारी कैटेगरी के अंदर आता है। तो राम के साथ फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं। सिमिलरली श्याम के साथ भी फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं। राम ने अपना अरेंजमेंट किया हुआ है, आज वो जो भी नौकरी कर रहा है, जो भी बिजनेस कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, उससे उसकी जो भी इनकम आती है वो आज के लिए भी प्लानिंग कर रहा है और आने वाले टाइम के लिए भी अपने परिवार के लिए प्लानिंग करके उसने रखा हुआ है। वो कौन सी प्लानिंग है उसके बारे में भी बताऊंगा कि आज उसको कुछ भी हो जाए तो भी उसका परिवार एज इट इज चलेगा। लेकिन श्याम के पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये इसने दूर की सोची नहीं है। वो कहते थे ना महाभारत के अंदर भी एक प्रसंग आता है, दूर की सोच रखने वाला आदमी संजय, जो कहीं बैठे बैठे भी कहीं महाभारत का युद्ध कहां चल रहा है उसको दूर का दिखाई दे जाता था, सब कुछ दिखता था, जिसे बोलते हैं दूरदर्शी होना। तो राम दूरदर्शी है, श्याम दूरदर्शी नहीं है। राम ने अपने लिए एक ऐसा प्रोविजन किया हुआ है, जो भी उसकी इनकम है उसकी इनकम का 20 गुना उसने इंश्योरेंस लिया हुआ है, जिसको टर्म प्लान बोलते हैं दोस्तों। अगर वो 10 लाख रुपए साल के कमाता है फॉर एग्जांपल, तो उसने 2 करोड़ रुपए का अपना इंश्योरेंस लिया हुआ है, टर्म प्लान लिया हुआ है। उस टर्म प्लान को लेने से उसके परिवार की पूरी जिम्मेवारी उस कंपनी के ऊपर आ जाती है। अगर राम को आज कुछ भी होता है, सेम डे हो जाए, 10 दिन में हो जाए, महीने में हो जाए, 2 साल में हो जाए, 5 साल में हो जाए, 10 साल में हो जाए, तो उसकी फैमिली को 2 करोड़ रुपए गारंटेड मिलता है, जिसका प्रीमियम हार्डली 30-40 हजार रुपए दे रहा है, साल का 30-40 हजार रुपए दे रहा है, 3-4 हजार रुपए महीना वो पेमेंट कर रहा है, और 2 करोड़ की उसके पास एक ऐसी गारंटी है, एक ऐसी पावर है जो श्याम या श्याम जैसे बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। उन्हें समझ ही नहीं है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी ऐसी जिम्मेवार कंपनी के ऊपर डाल दें कि उसका परिवार वैसे ही चले जैसे उसके सामने चल रहा था। ये बहुत बड़ी पावर टर्म प्लान के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जिम्मेवार और नॉन जिम्मेवार कैटेगरी के अंदर 82% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी अपने परिवार के लिए, अपने लिए कमाई होने के बावजूद भी, इनकम होने के बावजूद भी प्रोटेक्शन नहीं लिया, अपना इंश्योरेंस कवर नहीं लिया, जिसकी वजह से आज उनके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाए तो उनका परिवार डाउनसाइड में आएगा ही आएगा, 1-2%, 4% को छोड़ के। देखो एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, हो सकता है किसी का अपना मकान हो सकता है किसी के पास सेविंग बहुत अच्छी हो, किसी के पास पीछे से कोई अर्निंग बहुत अच्छी हो, किसी के फैमिली को सपोर्ट करने वाले लोग अच्छे हों, लेकिन बाकी रेस्ट लोगों के साथ कोई क्या होगा मैं कह नहीं सकता। दोस्तों अगर आपको भी इस 82 कैटेगरी को, 82% वाले नॉन रेस्पॉन्सिबल लोगों को से रेस्पॉन्सिबल कैटेगरी में आना है ना, तो सबसे पहले आपको काम करना है अपनी इनकम का 20 गुना इंश्योरेंस लेना है, प्योर इंश्योरेंस लेना है, टर्म प्लान लेना है। उसका फायदा क्या होगा ये समझा देता हूं, लॉजिकली आपको समझ में आ जाए तो मैं समझूंगा इस कंटेंट को बनाने का फायदा हुआ, आपको मेरी बात समझ में आई। राम का एग्जांपल लेता हूं, राम ने 2 करोड़ का इंश्योरेंस लिया है, आज उसकी इनकम है 10 लाख रुपए की, और उसने 2 साल बाद, 5 साल उसके बच्चे हैं, एक 3 साल के, एक 5 साल के, उसकी 27 साल की एज है। तो सिमिलरली उस 2 करोड़ का इंश्योरेंस लेने का उसका पर्पस है, उसको 40 साल तक के लिए उसने इंश्योरेंस लिया कि जब वो 67 का होगा या 45 साल के लिए लिया कि 72 ईयर्स का जब वो होगा तब तक वो अपने परिवार के साथ रहता है तो उसे किसी इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ खुद से मैनेज कर लेगा, बिटिया की शादी, उसकी एजुकेशन, बेटे की शादी, उसकी एजुकेशन, जो भी करना है, इवन उसकी खुद की रिटायरमेंट और उसके लिए वेल्थ मैनेजमेंट, खुद के लिए वेल्थ क्रिएशन करना है, तो वो सब कुछ खुद कर सकता है, इसके लिए वो कैपेबल है। लेकिन खुदा ना खास्ता 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद उसकी कोई भी मिसहैपनिंग हो गई, तो यहां पर समझने की जरूरत है, 2 करोड़ रुपए उसकी वाइफ को उसी टाइम मिल जाएंगे, उसी मंथ मिल जाएंगे, और 2 करोड़ रुपए को वो पर्सन अगर बैंक में भी रखेगी, उसकी वाइफ बैंक में भी रखेगी, तो 5-6% का ब्याज मिलेगा, 12 लाख रुपए उसको कम से कम आएंगे साल के, यानी कि 1 लाख रुपए महीना उसको वहां से रिकवर हो जाएगा। और 1 लाख रुपए जिसके परिवार को मिलेगा तो उसका परिवार जैसे राम अपने परिवार में पैसा दे रहा था, सिमिलरली टर्म प्लान के ब्याज के थ्रू उसका पैसा भी वैसे ही उसको मिलता रहेगा, सैलरी के फॉर्म में मिलता रहेगा, और जिंदगी भर उसके जो बच्चे हैं बड़े हो जाएंगे, बड़े होके
किसी लायक हो जाएंगे, जिस भी फॉर्मेशन उनकी लाइफ चल रही थी वो एज इट इज मेंटेन रहेगी। तो दोस्तों ये बहुत बेसिक एग्जांपल है जो मैं बहुत सारी ट्रेनिंग्स में बहुत सारे लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्लीज रिस्पॉन्सिबल बने अपने परिवार के लिए, खुद के लिए। आज आप हैं, आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है, ये आपको समझना चाहिए। अगर आप अपने किसी भी रीजन से, कुछ अनफॉर्चुनेट रीजंस आपके हाथ में नहीं होंगे, उन सब चीजों के लिए आपको अपने परिवार से जेन्युइनली प्यार करना है तो ऐसा प्रोटेक्शन लेके रखना जरूरी है। इसमें कुछ चॉइस नहीं है, सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, इनकम का 20 गुने का इंश्योरेंस लेना है। उसके लिए आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, हम लोग ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे ये वर्किंग प्रोवाइड करते हैं और जेन्युइन कंपनीज को देने की कोशिश करते हैं जिससे आपका क्लेम में कभी कोई परेशानी ना आए। उम्मीद करूंगा ये कंटेंट, ये वर्किंग आपको समझ में आई होगी। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र।